थर का एडवेंचर अभी जारी है। थर में मिलियन ट्री प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसको विज़िट करने के लिए मैं गई, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक शॉट बहुत अच्छा आएगा, सो मैंने वो शॉट बना लिया। अब आप आगे व्लॉग इन्जॉय करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। थर कोल पावर प्लांट देखने जा रहे हैं हम, और हमने ये नियॉन जैकेट्स पहन ली हैं जिसमें बहुत ही कूल लग रहे हैं जब हम गाड़ी से बाहर निकलेंगे। और हम सब नहीं, इसमें इतना बड़ा चेंज आया है। क्या हमारे वार्डरोब चेंज हो गई है? हमारी वार्डरोब एंटायरली चेंज हो गई है, और वो मैंने सिर्फ वो पार्ट दिखाया था कि नाउ वी आर गोइंग टू चेंज, और एकदम से आप तो नजर आ गई थी इसमें, सील लग रही है। मेरा और सुमैया का चेंज नजर नहीं आया था। जरियाब का तो आया था ना, जरियाब का चेंज। एक्चुअली इर्ज़ा किसी ने नहीं बनाया, जब इर्ज़ा ने चेंज। हाँ, बस जो व्लॉग जोड़ा दिखाना चाहेंगी, जो व्लॉग कर रहा होता है ना वो बेचारा नहीं आता व्लॉग। लाओ भाई, मैं आपको दिखाती हूँ, इर्ज़ा ने बहुत प्यारा ड्रेस पहना है, पूरे 8,890। मैं इसकी कहानी बताती हूँ। ये ड्रेस है जी 8,890 का। ऐसा क्या इसमें? इस तरह का ड्रेस पता नहीं, मैं ब्रांड लूट रहा है। इस तरह के आउटफिट्स आपको लिबर्टी में, पीआर बंद हो जाएगी इसकी। मैं नाम तो नहीं बता रही कि किस ब्रांड का है। 2,000 से 3,000 के अंदर आपको इस तरह के आउटफिट्स अच्छे फैब्रिक में मिल जाएंगे। फैब्रिक भी वन टाइम वेयर है, सही बात, वॉश होगा ना तो ये। लेकिन इस दफा अगर आप भी गई हो मॉल्स में, तो आपने देखा होगा कि यार हर जगह पे कोई जनरेशन ले लो, एथनिक ले लो, कोई भी, बहुत ज्यादा प्राइसेस हैं। प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं। मतलब आपको अनस्टिच सूट जो है वो 9,500 का मिल रहा है, 2,000 की लेस है, 1,500 की ले ले, 6,000-7,000 आजकल इनिशियल प्राइस है। कि अगर आप कोई भी अच्छा ब्रांड का ड्रेस लेना है तो 6,000-7,000 रुपए आपकी पॉकेट में होने चाहिए। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक अगेन, हम थर्कोल पावर प्लांट। लेडीज है ना, लेडीज तो फिर सॉरी। So, बस आगे चलते हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं, आई थिंक आई गेस माइंस की तरफ। बिल्कुल माइंस की तरफ जा रहे हैं, तो माइंस आपको विजिट करवाते हैं। तो वो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हमें दिखाएंगे। एग्जैक्टली, डिगिंग पॉइंट आई थिंक नहीं दिखाएंगे। क्यों, उसमें इतना सीक्रेटिव क्यों रखा हुआ उन्होंने? आई डोंट नो, हम पूछेंगे उससे। नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे भाई, दिखाएंगे, वही तो मैं देखना है। ओके, मैंने बादलों का इतना खूबसूरत नज़ारा देखा था, ऐसे लग रहा है जैसे रुई के गाले हैं और उनमें से इतनी खूबसूरत ये शुआएं निकल रही हैं। बहुत अमेजिंग मंजर था। इस व्लॉग में मैं आपको ज़्यादा कोल पावर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताऊंगी। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा प्रीवियस व्लॉग देखना पड़ेगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इर्ज़ा जो है कुछ बता रही है जिशान भाई के बारे में। हाँ। जी, तो क्या है सीन? सीन ये है कि मुझे लगता है ही इज वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग, और मेरी सारी बातें मानता है, लेकिन उसमें क्रेडिट मुझे जाता है। वो इस तरह कि मैं लड़ती नहीं हूँ, मुझे गुस्सा आता है बहुत शदीद। आप कुछ फरमा रहे थे इस बारे में। ये एक तरफ का व्यू है ना, निशान से भी तो पूछो। नहीं निशान भाई, लाइक मुझे ना, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो मैं जल्दी से गुस्सा करती हूँ और जल्दी से ही खत्म भी कर देती हूँ। मतलब उस वक्त वो क्या करते हैं जब आप गुस्सा करते हैं? उस वक्त वो काम होता है, रिलैक्स के बोलती रहो, बोल लो, फिर बात करेंगे। उसने कभी ये नहीं किया कि वो लड़ाई को बढ़ावा दे। कामयाब शादी के गुर। यस, उसने कभी उस वक्त मुझसे बात नहीं की जब मैं तपी हुई होती और मैं खामोशी से बैठ के ये टिप्स ले रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये टिप्स जो है मुझे सुमैया भी दे और मुझे इर्ज़ा भी दे। हाँ। कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक हेल्दी मैरिटल लाइफ जो बात मैं कर रही हूँ ना, कि वो आगे से नहीं बोलता। ये तरबूज होता है, एंटर नहीं पता होता कि लाल निकलेगा या सफेद। गुस्से में ना आपको कभी रिप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपका पार्टनर गुस्से में, एक बंदा गुस्से में दूसरा चुप हो जाए, लेट हिम लेट हर वेंट आउट, दोनों लड़ेंगे तो फिर तो मामला खराब होगा। मामला खराब होगा। और कभी भी किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना। ये वेरी गुड, ये तो है, इसको तो मैं 100% ये तो मैं इस पे अग्री करती हूँ। अगर आपने लड़ना है ना, जो भी करना है आपने, आप कमरे में जाके करें। अच्छा, ये एक और कहते हैं कि मियां बीवी की लड़ाई में जो तीसरा बंदा बोलने मरता है गधा होता है वो, क्योंकि मियां बीवी जो होते हैं लड़मड़ के एक हो जाते हैं। सही बात है, कभी इनकी लड़ाई में ना पड़ो। नहीं भाई, आप जो है ना बेवकूफ बन जाएंगे, वो दोनों फिर दोबारा एक हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों की शादी को माशाल्लाह बहुत साल हो गए हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे मतलब सुनहरा टिप क्या है यार? सबसे सुनहरा टिप ये है कि एक तो सबसे ज्यादा जो होता है ना, वो होता है दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज, वन साइडेड नहीं। देखो, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। अच्छा, मुझे ना कॉम्प्रोमाइज का वर्ड बहुत बुरा लगता है। मैं बताती हूँ वो क्या है। हाँ। उसको हम थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ सब में होती हैं, बुराइयाँ सब में होती हैं। हाँ।
आप उन बुराइयों और अच्छाइयों समेत उसको एक्सेप्ट करें. और जो गुस्से वाली बात की है ना कि जब आपको गुस्सा आता है या टेम्पर लूज होता है, एक बंदा चुप हो जाए और वो अंडरस्टैंड करे. अच्छा एक टिप मैंने और निकाली है. एक बंदा आदमी होता है वो कभी नहीं, भी औरत नहीं होती. वो औरत भी होती है, ऐसा नहीं है. जब मर्दों को गुस्सा आता है ना, ओए होए होए, वो ऐसा होता है क्यों इर्ज़ा, तो उस वक्त फिर होता है. अच्छा मैं बाजो खात ना, मैं दिल चाहता है सबके सामने ना, मर्द तो सुना देते हैं दो चार, औरतें नहीं सुना पाती. तो मैंने ना बहुत अरसे बाद एक चीज सीखी है कि मैं उस वक्त गुस्सा नहीं करती, मैं बाद में अकेले में ना तरीके से समझा देती हूँ कि ये आपने सही नहीं किया था. तो वो फिर जो है ना, वो उस वक्त लड़ाई भी नहीं होती, बात समझ में भी आ जाती है. हाँ। और आपकी जो है ना वो रह भी जाती है, आपकी रह भी जाती है, बात सुन भी ली जाती है. तो ये सबसे सुनहरा उसूल है. एट दैट मोमेंट हम लोगों ने डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट किया कि हम ये देखें कि इस पानी के थ्रू क्या एग्रीकल्चर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. उसके बाद हम लोगों ने टंडोजाम यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, कराची यूनिवर्सिटी, जिनजियांग यूनिवर्सिटी चाइना, इन सब के साथ कोलैबोरेट किया और कोशिश की कि हम कुछ ऐसे स्पीशीज़ को यहाँ पर ग्रो करें जो यहाँ के इन्वायरमेंट में लोगों को भी फ़ायदा दे सकें. सो उसके लिए जो एक सस्टेनेबिलिटी के अंदर जिससे दो इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक होता है एनवायरनमेंट का एंड दूसरा होता है सोर्स. तो यहाँ के लोगों का जो माशी निज़ाम है वो डिपेंड करता है लाइवलीहुड जो इनका, कि वो जानवरों मवेशी को पाल के और उनकी थ्रू अपना लाइवलीहुड कमा रहे होते हैं. तो हमने कोशिश की, बट होता क्या था कि वो लोग हमेशा जब भी ड्रॉट का सिस्टम रीजन टाइम आता था तो वो लोग माइग्रेट कर जाते थे बदीन एंड आगे के एरियाज में, और उनका जो पूरा वो जो ज़रात थी वो डिपेंड करती थी रेन वाटर के ऊपर. बारिशें नहीं होती थी तो उनके पास कुछ नहीं होता था उगाने के लिए. हमने ये कोशिश की कि यहाँ पे पानी है. ओके एट दिस पॉइंट आई थिंक वी ऑल वर वेरी टायर्ड. आप माविश को देखें, वो भी टायर्ड लग रही हैं. ऑब्वियसली गर्मी बहुत 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 ज़्यादा थी, बट जस्ट लुक एट दैट व्यू, एलोवेरा ही एलोवेरा हर तरफ. बहुत प्यारे लग रहे थे ये एलोवेरा के, आई गेस खेत ही बोलेंगे ना इनको. यहाँ पे मेरे दिल में ये चल रहा था कि मैं सारी एलोवेरा लेके चली जाऊँ साथ में और अपने बालों का और अपनी स्किन का कुछ बेहतर ट्रीटमेंट कर सकूँ इससे, बट ऑब्वियसली कुडंट डू दैट. वो भी ये काम कर सकें ताकि उनके अपने वो बने बेर और मंडियों तक ले जाना, क्योंकि यहाँ तो सिवाय जानवर के और कुछ भी नहीं रहा. जी बिल्कुल. सो इसके अंदर दो चीज़ें हो रही हैं. एक तो सबसे पहले ये कि यहाँ पे ये जितने लोग हैं, हम लोग तो चले मैनेजमेंट एस्पेक्ट से चीज़ों को देख रहे होते हैं, एक्चुअली ये पूरी लैंड यहीं के लोकल्स की बनाई हुई है. यहाँ पे तकरीबन 62 लोग हैं जो कि इन फैसिलिटीज़ में काम कर रहे हैं. वो लोग ही कर रहे होते हैं तो उनके पास अगर अपनी छोटी ज़मीनें होती हैं तो वो उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फॉर्डर को अपनी ज़मीनों पर ग्रो कर रहे हैं, तो वो यहाँ की प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. दूसरी चीज़ ये है कि IUCN के साथ हम इसकी कमर्शियल फिजिबिलिटी को लेके भी एक स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर वो डिफरेंट पायलट्स यानी लोगों की जहाँ पे लैंड अवेलेबल है वहीं पे वो इन्हीं चीज़ों को ट्राई करके एक कमर्शियल मॉडल या वैल्यू चेन बनाने की कोशिश. लुक एट दिस प्लेस, ट्रीज एवरीवेयर. ये हमारा पूरा गाड़ियों का काफिला है और यहाँ पर बस दरख्त हैं दूर दूर तक. इस वक्त जहाँ पर हम आए हैं ये है थर मिलियन ट्री प्रोजेक्ट और इन्होंने यहाँ पर 10 लाख दरख्त लगाए हैं. और अभी हम काफ़ी आगे आ चुके हैं. यहाँ पे साइड पे नर्सरी बनी हुई है, इसका विजिट करते हैं अंदर. सुना है कोई चाय वाय भी मिल रही है यहाँ पे, तो लेट्स चेक दैट आउट. जाहिर है कि जगह खूबसूरत हो और गर्ल्स ने ऑल ड्रेसअप किया हो तो फिर पिक्चर्स होना तो ज़रूरी होती हैं. सो सर आप इज़ हैविंग हर शूट हियर एट दिस मोमेंट. किसी और के व्लॉग में अपना व्लॉग बनाने का मजा अपना ही है. भाई ये देखें, आप किसके लिए बना रहे हैं? मैं आपके लिए बना रहा हूँ. मुझे काम करते हैं वो मौजूद है. ये वाकई ही 10 लाख होंगे? नहीं ये 10 लाख नहीं होते हैं. नहीं ये नहीं, मतलब बाहर बेसिकली एक जो रेशो होती है ना इसमें जो लगाए जाते हैं वो, अगर 10 लाख लगाए जाएं तो कितने परवान चढ़ते हैं 10 लाख में से? 70% सर्वाइवल रेट है. सर्वाइवल रेट हमारे पास ना यहाँ पे लगाए हुए हैं और डोनेशन भी की हुई है. अच्छा यहाँ से वहाँ कॉलोनीज में और दूसरी NGOs स्कूल्स वगैरह उनमें भी डोनेशन की हुई हैं. तो इटसेल्फ हमारे पास यहाँ पे 5.5 लाख दरख्त लगे हुए हैं. अब पीछे देखेंगे जंगल डोनेशन में, सही 5.5 लाख इस जंगल में पीछे सारा लगा हुआ है. हजार से ज्यादा यहाँ नजर आ जाते हैं. 5 लाख की कैपेसिटी की नर्सरी यही है. 5 लाख की कैपेसिटी. अच्छा ज्यादातर यहाँ पर हैं किस चीज के दरख्त वगैरह? नीम के हैं, बब्बर के हैं, कंडी के हैं, पीपल है, सरे हैं.
जो नेटिव है वो नीम है यहाँ पे जो ज्यादा ग्रो करता है। थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं अब यार? ऑलराइट, तो इतनी खूबसूरत जगह मैंने आप लोगों को ये दिखाई है कि थर में जहाँ पे एक रेतीला इलाका, इतने सारे खूबसूरत दरख्त और पौधे वौधे हैं। बड़ा अच्छा लगा ये ट्रिप, बहुत मेरे लिए तो बहुत होलसम जर्नी थी। इसके बारे में मज़ीद थॉट्स जो हैं वो मैं अपने होटल जाकर दूंगी अगर मुझे टाइम मिला तो। नाउ आई एम ऑलमोस्ट डेड एंड आई वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस राइट नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। वेट अ मिनट, एक चीज़ रह गई थी वो भी देखते हुए जाओ। ये सारा एंकर माफिया जमा होके मैं चाहती हूँ कि एंकर्स को एंकर माफिया कहा जाए और समझा जाए, ताकि जितने प्रोड्यूसर्स और ये वो बाकी स्टाफ होता है ना चैनल्स का, ये हमसे डर के रहे, क्योंकि अच्छा? इनकी कोशिश होती है कि इन्हें आपस में लड़वा दो, इनकी कभी ना बने। स्टाफ तो वैसे यहाँ पे डर के रहता है। मैं तो आप निशान से बात हुई, निशान भी डर के रहता है। कौन नहीं डरता आपसे? तो मेरा ख्याल है कि हम, मैं कह रही हूँ कि हमें एक माफिया बन के रहना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि हमें एक माफिया बन के रहना चाहिए। माफिया क्या, पहले ही बदनाम है तो और बदनाम करते हैं। पहले आ चुको यहाँ पे, ये देखो। ओए होए, मिस्टर एंड मिसेस अली हैदर कासमी, वाओ। अब हम चाय पीने आए हैं, फाइनली चाय पियेंगे। फाइनली चाय नहीं है, हुआ चाय नहीं है, पानी चाय। यार पानी तो पिलाए कम अज कम। चाय है, चाय है, बेचारे तड़प रहे हैं।